आज हम बनाएंगे पूरन पोली। इसके लिए मैंने 200 ग्राम चने की दाल लेके उसको ओवरनाइट सोक कर लिया था और सुबह उसे अच्छे से धो के और पानी में उबाल लिया। और हमें इसको इतना उबालना है जितने, देखिए आप इसे तोड़ें तो ये टूट जाए आसानी से। और इसको पानी इसका हमने अच्छी तरह निकाल दिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। पूरन पोली के लिए मैंने गुड़ ले लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, नारियल लिया है और 8-10 इलायची ली है। नारियल को हम किस के डालेंगे, इलायचियों को भी हम कूट के पीस के डालेंगे। और चने की दाल जो मैंने उबाली थी, ये देखिए मैंने उसको उबाल के छान के अच्छे से पीस लिया है। अभी हम घी डाल के पहले इसे भूनेंगे। ये देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी लिया है, ये गर्म हो गया है। अब हम इसको जो हमने चने का दाल को पीस के बनाया है ये हम इसमें डाल देंगे। इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें इलायची और खोपरा जो नारियल हमने लिया है उसे पीस के डालेंगे और गुड़ को ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको पकाते पकाते इतना हमको गाढ़ा कर लेना है जैसे कि हम आलू के पराठे बनाते हैं, आलू की जो कंसिस्टेंसी होती है भरमा के लिए। और फिर हम इसे आटा गूंद के उसमें भर के बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। और हम इसको गणपति बप्पा के लिए भी भोग लगाएंगे इसका भी, क्योंकि उन्हें गुड़ नारियल की चीज़ें पसंद है। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम आटे को ही इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टिव होता है। वैसे मैदे का भी बनाइए तो कोई बुराई नहीं है, आपकी पसंद पे। दाल को भूनते टाइम अगर आपको लगे कि घी इसमें कम हो रहा है तो आप 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं ऊपर से। वैसे तो ये कच्ची नहीं होती है क्योंकि इसे हम उबाल के पीसते हैं, फिर भी एक कच्चापन रहता है तो उसे हम इस तरह भून के निकाल लेते हैं। ये देखिए हलवे की तरह जब बंधने लगता है इस स्टेज पे हम इसमें ये गुड़ को ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छे से चला देंगे। अब ये थोड़ी देर में काफी लिक्विड हो जाएगा और फिर हम इसे धीरे धीरे पकाते हुए सुखाएंगे। इलायची भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ये गुड़ अभी पिघलेगा। ये देखिए एकदम पक के तैयार हो रहा है। ज्यादा गीला पानी इसमें नहीं छोड़ता क्योंकि मैं गुड़ की चाशनी नहीं बनाती, मैं गुड़ को कूट के सीधे इसमें डाल देती हूँ और वो अच्छा भी रहता है क्योंकि नहीं तो ज्यादा पानी हो जाएगा तो आपको सुखाने में भी इसमें टाइम लगेगा। अब हम ये पिसा हुआ जो नारियल है खोपरा है वो इसमें ऐड कर देंगे। तलने भूनने के लिए जितना हो सके आप लोहे की कढ़ाइयाँ इस्तेमाल करिए, उसमें जलता भी नहीं है, बहुत अच्छे से सिकाई होती है। और लोहे से आयरन की कढ़ाई में बनाने से आयरन तो हमें मिलता ही है, उसका भी फायदा होता है। इसमें कुछ लोग थोड़ी सी सौंफ भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। मीठा बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए वरना आपको पूरन पोली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लोग शुगर से भी बनाते हैं लेकिन गुड़ वाली ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप शुगर की बजाय इसमें गुड़ ही इस्तेमाल करें। बस थोड़ा सा हम इसे और सुखाएंगे और फिर ये रेडी। बस एक चीज़ है कि लोहे की कढ़ाई में जब आपका सारा काम हो जाए तो इससे आप जरूर इसको पलट के किसी कांच या स्टील के बर्तन में रख दीजिए। खाना बना के इसमें कभी भी छोड़िए मत। अगर आप उस तरह का लोहे का ज़्यादा टेस्ट खा सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज इसे निकाल लीजिए इसमें से। अब हम इसमें थोड़े से केसर भी मिलाएंगे। Thank you.
की बढ़िया खुशबू आ रही है। इलायची, गुड़, नारियल, केसर और जो चने की दाल है उसके भून के बहुत ही सोनी महक आ रही है। पूरन पोली बनाते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, इसे बहुत पेशेंस से बनाइए और धीमी आंच में बनाइए, क्योंकि अगर बेसन या चने की दाल जरा भी जल जाती है तो उसका स्वाद एकदम कड़वा हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी हरी भरी में मत बनाइए। और बीच बीच में इसको भूनते टाइम हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी जरूर डालते जाएंगे, क्योंकि पूरन पोली में घी तो ज्यादा डलता ही है। बहुत आराम से पेशेंस से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जो इसका हमने ये मिश्रण बनाया है, जितनी आपको खानी है खाइए, बाकी आप इसको डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब मर्जी निकालिए बनाइए और खाइए। पूरन पोली बनाने के लिए इस तरह हम आटे की लोई बनाएंगे, जैसे हम भरमा पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। इस तरह इसको थोड़ा सा बीच में मोटा रखेंगे। और अभी हम यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो पूरन पोली का मसाला बना के रखा हुआ है उसको हम गोल करके अच्छे से भर लेंगे। आप जितना चाहें उतना भर लीजिए इसको इस तरह से। और अब इसको हल्का सा अंदर की ओर दबाएंगे और इस तरह से बंद कर देंगे, वो जेंटली धीरे से ऐसे हल्का सा दबा देंगे। सीधे इसको बेलन पे नहीं बेलना है, पहले हम इसको इस तरह थोड़ा सा हाथ से बढ़ाएंगे और बहुत हल्के हाथ से बेलना है, बहुत आसानी से बढ़ेगी। और इसे प्योर घी में ही बनाइए, इसका जो बेस्ट टेस्ट आता है वो घी में ही आता है। बस अब हम इसे धीरे धीरे बेल लेंगे, बहुत हल्के हाथ से बेलिए। थोड़ा सा फटता है तो उसके लिए परेशान मत होइए, वैसे वो नहीं फटेगा अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे। दोनों तरफ से किनारे पतले रखिए। बस अब हम इसे सेकेंगे, देखिए हम इसको तवे में सेकेंगे। अच्छे से सीख जाएगा तब इसे हम पलटेंगे और इसमें घी लगाएंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छी सीख गई है, इसमें हम घी लगाएंगे। घी इसमें अच्छे से लगाइए, बिना घी के अच्छे नहीं बनते। अब हम इसे दूसरी तरफ पलटा के घी लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए दोनों तरफ से सीख रहा है, अच्छा फूल रहा है। थोड़ा सा आप गैस को स्लो करके इसको चारों तरफ से घुमाकर सेक लें। ऐसे हम गरम गरम पराठे जो हम पूरन पोली बना रहे हैं भरी वाली, इसको हम दही से भी खाएंगे। दही से इसका एक अलग ही स्वाद निकल के आता है। बप्पा के भोग के लिए पूरन पोली तैयार है। इसे हम दही के साथ, ताजे दही के साथ सर्व करेंगे और ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। देखिए मैंने एक बना के इसको काटी भी है, अंदर पूरी इस तरह से भरी रहती है। और इलायची और जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं नारियल, उसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और गणपति पूजन बहुत शांति और सद्भाव से करिए। थैंक यू सो मच।